ओके सम नंबर 8 देखो क्या बताओ उसमें. अ बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स. अ बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स बियरिंग ओनली वन नंबर फ्रॉम 1 to 30. एक बॉक्स है, बॉक्स में 30 टिकट्स है जिसके ऊपर 1 to 30 के नंबर्स लिखे हुए हैं. तो इसमें हम लोग को एक्सपेरिमेंट दिए हैं, दो एक्सपेरिमेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है. ओके नाउ सी, अ बॉक्स कंटेन 30 टिकट्स बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 30. एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 30 टिकट्स है और हर एक टिकट के ऊपर एक नंबर लिखा है और नंबर है 1 to 30 के बीच में. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके तो सैम्पल स्पेस क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 30. 30 यू हैव टू राइट, बिकॉज जो इवेंट्स दिए हैं वो इवेंट्स में नंबर्स है, नंबर्स हम लोग को इजीली फाइंड करने होंगे, इजीली फाइंड करने हैं तो हमें 1 to 30 तक के पूरे नंबर्स लिखने पड़ेंगे. ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. सो नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू व्हाट? 30. अब इवेंट क्या दिया देखो, इज एन ऑड नंबर. इवेंट ए में क्या है, जो नंबर्स और नंबर्स के ऑड नंबर है. ऑड नंबर मतलब 1 से स्टार्ट करो, 1 3 5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29. ये सब क्या है? ऑड नंबर है. ये सब क्या है? ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर कितने हो गए? नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15. नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस. नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस दैट इज 15 upon 30. 15 upon 30. 15 1 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30. सो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 upon 2. क्या है? 1 upon 2. इवेंट बी क्या दिया है? इवेंट बी इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर. इवेंट बी में क्या होता है, जो नंबर वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है. 1 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर, राइट? 1 का स्क्वायर कहते हैं 1 ही है, तो 1 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर. 4 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर. 9 इज अ कंप्लीट स्क्वायर नंबर. उसके बाद है 16, उसके बाद है 25. सो कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5. सो नंबर ऑफ बेस इक्वल टू 5. नंबर ऑफ बेस इक्वल टू 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ बेस इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस. नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस दैट इज 5 upon 30. 5 upon 30. 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30. 5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा 30. मतलब हर 6 के कार्ड के पीछे एक कार्ड क्या होगा? कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा. सो प्रोबेबिलिटी इज 1 upon 6. अंडरस्टूड? वेरी गुड. ओके नेक्स्ट सम देखो. नेक्स्ट सम में बताया एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 meters and 50 meters. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके डायमेंशंस है 77 meters and 50 meters. देर इज़ अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन. उस गार्डन में एक सर्कुलर क्या है? लेक बना हुआ है, तालाब बना हुआ है. हैविंग डायमीटर 40 centimeters. जिसका डायमीटर है 14 meters. जिसका डायमीटर कितना है? 14 meters. ड्यू टू वाइंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन अ नियर बाय बिल्डिंग. हवा आती है और बाजू में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से एक टॉवल गिरता है. वो टॉवल जो है वो लेक में गिरेगा, इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है? तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले हम लोग को जो गार्डन है उस गार्डन का एरिया फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज़ योर सैम्पल स्पेस. और उसके बाद इवेंट में जो पूछा है सर्कल, तो सर्कल का एरिया फाइंड करना होगा और उसके बीच में फिर हम लोग क्या करेंगे? पॉसिबिलिटी निकालेंगे. नाउ सी, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 meters and 50 meters. इट इज़ गिवन डायमीटर ऑफ लेक इज 14 meters. जो सर्कुलर लेक है उसका डायमीटर कितना है? 14 meters. तो रेडियस कितना होगा उसका? 7 meters. क्यों? क्योंकि रेडियस हमेशा डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है. रेडियस डायमीटर से क्या होता है? हमेशा आधा होता है. तो डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस ऑब्वियसली कितना होगा? 7. तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? लेट एस बी द सैम्पल स्पेस. हियर एस रिप्रेजेंट टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. इस समय एस जो है, एस का हमें बता रहा है टोटल एरिया ऑफ दैट गार्डन. सो नंबर ऑफ एस इक्वल टू एल इन टू बी.
77 इंटू 50 आंसर इज 3850 मीटर स्क्वायर। दोनों को कैलकुलेट किया, सी जीरो पहले लिखा, 57 जा 5 3 कैरी ऑन, 57 जा 35 प्लस 3 38, सो 3850 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, नंबर ऑफ एस, दिस इज योर नंबर ऑफ एस। नाउ इवेंट ए, एरिया ऑफ अ सर्कुलर लेक, इवेंट ए में क्या है, एरिया ऑफ सर्कुलर लेक विथ रेडियस 7 मीटर, विथ रेडियस 7 मीटर, एरिया ऑफ लेक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर लेक है सो पाई आर स्क्वायर, 27 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कैंसल, 22 7 जो 154, दिस इज नंबर ऑफ ए, 154 इज द नंबर ऑफ ए, सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 154, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, सो 154 डिवाइड बाय 3850 आंसर इज 125, अगर कैलकुलेट करके 154 से तो आंसर क्या मिलेगा, 1/25, आया समझ में, ओके, राइट डाउन।